ट्यूशन फीस से एक्सेस जाकर आप चार्ज कर रहे हैं तो वो गलत है। मैंने कोर्ट से इस बारे में विशेष ध्यान देने, ऐसे नोटिस को रद्द करने की मांग जो है अपनी याचिका में की है। रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम। यू हैव ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। नियर कलेक्टर बंगलो पुलिस लाइन अजमेर एंड नियर कनकशी गार्डन जवान नगर अजमेर। मामले में रिसेंटली आप देख रहे हैं कि COVID-19 जो है हमारे देश में चल रहा है और कई प्राइवेट व्यक्ति जो है इससे प्रभावित हुए हैं और सबसे प्रभावित हमारे बच्चे हुए हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और इसके अलावा हमें उनकी फ़ीस का बर्डन जो है बियर करना पड़ रहा है। रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ने दो गाइडलाइंस पास करी जिसमें ये स्पष्ट किया गया कि जब तक स्कूल रीओपन नहीं होते आपको कोई फ़ीस चार्ज नहीं करनी है। इस गाइडलाइंस के खिलाफ कुछ प्राइवेट स्कूल माननीय उच्च न्यायालय में गए और उन्होंने उच्च न्यायालय से कहा कि हमें टीचर्स की सैलरी देनी है, हमें ऑनलाइन क्लासेस मेंटेन करनी है, हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन करना है, तो हम पैसा कहाँ से लेके आएंगे। जब तक इस रेट का डिस्पोजल नहीं होता है तो हमारे लिए कुछ इंटरिम व्यवस्थाएं की जाए। तो वहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 7/9/2020 को एक ऑर्डर पास किया जिसमें यह स्पष्ट किया कि आपको टिल डिस्पोजल ऑफ द पिटिशन टोटल ट्यूशन फीस का 70% चार्ज करना है। अब इन लोगों ने क्या करा कि ट्यूशन फीस की जगह टोटल फीस जो है चार्ज करना शुरू कर दी। मेरा बेटा सैंडफोर्ड स्कूल में पढ़ता है और उससे 15/9/2020 और 17/9/2020 को मोबाइल फ़ोन पे नोटिस प्राप्त हुए जिसमें स्कूल फीस का 70% जो है डिमांड किया गया। जब नोटिस को मैंने पढ़ा, मैंने स्कूल जाकर बात करी तो मुझे ये बताया गया कि स्कूल फीस में ट्यूशन फीस और ट्यूटोरियल फीस जो है सम्मिलित की गई है, जो कि गलत था। मैंने इस बारे में बात करी, समझाने का प्रयास करा, पर कोई समझ उनको नहीं आई जिस कारण मुझे माननीय न्यायालय में जाना पड़ा। मेरा एक ही स्टैंड कोर्ट में है कि जब माननीय उच्च न्यायालय ने ट्यूशन फीस के बारे में स्पष्ट किया है और ये कहा है कि आपको टोटल ट्यूशन फीस का 70% देना है तो वहाँ पर ट्यूशन फीस से एक्सेस जाकर आप चार्ज कर रहे हैं तो वो गलत है। मैंने कोर्ट से इस बारे में विशेष ध्यान देने, ऐसे नोटिस को रद्द करने की मांग जो है अपनी याचिका में की है।